आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन वेबाक। देश के जाने माने पहलवानों ने बीते कुछ महीने से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। महिला पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं और वहीं अब एक नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई है। सूत्रों के अनुसार पहलवान ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप वापस लिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में कराया है और महिला ने दो दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में बयान वापस लिए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ FIR में आरोप हैं और पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज हुई हैं। FIR में एक नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर कई बार यौन अत्याचार का आरोप लगाया है। FIR में प्रताड़ना के आरोपों के बारे में विस्तार से बताया गया है। FIR के अनुसार लड़की ने कहा है कि उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कंधे पर बहुत जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसका दिया। उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ टच में रहना। नाबालिग के पिता की ओर से दर्ज कराई गई FIR के अनुसार घटना 2022 की है, जब वह 16 साल की थी। उसने राष्ट्रीय खेलों में सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया था। FIR में आगे कहा गया है कि जब नाबालिग ने ब्रजभूषण का कड़ा विरोध किया तो उसने उससे कहा कि एशियाई चैंपियनशिप के लिए जल्द ही ट्रायल होने वाले हैं और चूंकि वह उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए उसे आगामी ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 354, महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 सामान्य मंशा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉस्को अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।